के बहकावे में क्यों चले गए नहीं चले गए मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बिहार के लिए बिहार की जनता का अपमान हुआ जिसके दाम पर आप वोट पाए गए और आप उनको छोड़ के दूसरे गठबंधन में चले गए, ये बिहार की जनता का अपमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। जिस जनता ने आप पर विश्वास जताया, जिस जनता ने भरोसा कर आपको वापस से सत्ता सौंपी, उसी जनता का आपने अपमान किया है नीतीश जी। ये शब्द राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा कटाक्ष बोला है और कहा है कि आज आप हमें छोड़कर कहीं और चले गए, ये जनता के लिए बेहद अपमानजनक बात है, ये जनता का अपमान है और इसके लिए आपको कभी भी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। पशुपति कुमार पारस ने किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यनीतियों और कार्यशैलियों पर भी सवाल उठाया, इतना ही नहीं उनके दल बदलने को लेकर भी क्या कुछ बातें उनके तरफ से कही गई, किस तरीके से कटाक्ष बोला गया, छोड़ जाते उनकी पूरी बातों के साथ। एनडीए के गठबंधन की सरकार देश का बनी और आज लगभग तकरीबन 9 वर्ष हुआ है। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और शायद आजादी के बाद इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला होगा जिस प्रधानमंत्री का नाम विश्व के स्तर पर हो और विश्व सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री को माना जाता है। और उनका सोच मैं कैबिनेट में देखता हूँ, उनका सोच गरीब के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, शिक्षा के प्रति है, रोड है, बिजली है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में 31 दिसंबर तक उन्होंने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया, महिलाओं के लिए उन्हें व्यवस्था की, विभाग को वृद्ध लोग हैं प्रसाद सुन दिया, गरीबी रेखा में जो लोग हैं जो इलाज के बिना लोग मर जाया करते थे, आज प्रधानमंत्री जी की देन है 5 लाख रुपया जो हमारे गरीब भाई है जिनका वित्तीय सब्जी का नाम है उनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा इलाज कराने के लिए दिया जाता है। और मैं चुनाव के समय आपको लिस्ट दूंगा कि हाजीपुर में मैं लगभग 300 लोगों को प्रधानमंत्री को से 4,07,000 रुपया रोजगार का मिल गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हाजीपुर योजना के लिए। और व्यक्तिगत काम की बात को बनने के मंत्रालय की जो सामूहिक काम है जो मेरा सांसद चुका है जो सामूहिक काम है ये सार्वजनिक रूप से सभी लोग इसको देने तो मैं निश्चित रूप से सांसद कोटा का पैसा जो है क्षेत्र के विकास के लिए देने वाला और राघवपुर से मेरा लगाव शुरू से रहा है। अभी हमारे घोषणा पत्र में दो डिमांड करता है जो उम्मीदवार को वोट दिया और उस समय उसके नेतृत्व श्री नीतीश कुमार ने किया करते थे, क्योंकि एनडीए का गठबंधन जनता का विश्वास एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में दिया गया था, जनता ने विश्वास व्यक्त किया था नीतीश कुमार जी पर और भाजपा ने अधिक सीट लाने के बाद विश्वास किया नीतीश कुमार जी पर और उनको उन्होंने अपना नेता चुना। लेकिन आज पता नहीं किसके बहकावे में क्यों चले गए नहीं चले गए मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बिहार के लिए बिहार की जनता का अपमान हुआ जिसके दाम पर आप वोट पाए गए और आप उनको छोड़ के दूसरे गठबंधन में चले गए, ये बिहार की जनता का अपमान है। तो साथियों मैं आज इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत काम हो सार्वजनिक काम हो आप जिस संकोच हमको पत्र लिखें टेलीफोन करें आके कहें उससे जितनी जितना बन पड़ेगा मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करूँगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जोर से नारा लगा दिए, बल के नाम आसपास अमर रहे।
हॉस्पिटल भी एक घोषणा कर दिए सर। हॉस्पिटल ये का मामला है, इसमें आप चाहिएगा तो हो मेरा प्रयास होगा। मैं आप हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, आपके यहाँ का प्रतिनिधि हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी, यहाँ सरकार ने नीतीश किया, मैंने क्यों भी करेगा, मैं भी उनसे बात करूंगा, मैं उनको फोन कर दूंगा। यहाँ के प्रतिनिधि है, यदि यहाँ रावलपुर हॉस्पिटल खुल जाएगा तो तेजस्वी जी का नाम होगा और सक्षम है। मैं उनको पत्र भी लिखूंगा, मैं टेलीफोन से भी कहूँगा, जरूरत पड़ेगी तो उनके यहाँ मिल के मैं जाके कहूँगा कि अस्पताल खुल रही है।